शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अजीत बाबू, तुम्हें पंचायत ने इसलिए बुलवाया है, इस तरह डाकुओं को ललकारना बेवकूफी है, गांव वालों के लिए खतरनाक। अजीत बाबू, न तो तुम्हारा कोई है न फौजी का, तुम जो चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हम ठहरे बाल बच्चों वाले। उधर डाकुओं के खिलाफ पुलिस में गवाही दी, इधर हमारे बाल बच्चों की जान गई। बिल्कुल, तुम लोग समझते क्यों नहीं? अरे 1000-1500 की ये बस्ती अगर मिलकर डाकुओं के सामने डट जाए तो ये 10-15 डाकू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम सब मिलकर डाकुओं के खिलाफ पुलिस में गवाही दे सको तो चंद ही दिनों में ये डाकू फांस के तख्ते पर होंगे। एक बात है ठाकुर, हम उस गांव का रास्ता ही क्यों ना छोड़ दें, बाकी सारा इलाका पड़ा है। नहीं, इस गांव से हमारे खिलाफ आवाज उठी है तो उठने दो, जब हम वहां जाएंगे ही नहीं तो हमें क्या पड़ा है। गलत, अगर हमने इस आवाज को बंद नहीं किया तो दूसरे किसी गांव से एक और आवाज उठेगी। हम 7 साल से जिंदा इसी कारण है कि हमारे डर से कोई पुलिस का साथ नहीं देता। एक बार अगर गांव वालों के दिल से हमारा डर निकल गया तो अगले दिन हम फांसी के तख्ते पर होंगे। जिस दिन पुलिस उस गांव से निकल जाए मुझे बता देना, चलकर उस शहरी लौंडे को सबक सिखाना पड़ेगा। पिटिया, पटिया, ओमला, भागोरे डाकू आ गए। तो फिर आ गया, बोल मेरा बेटा कहाँ, मेरा बेटा कहाँ, बोल मेरा बेटा कहाँ। ए बुढ़िया, चल दो चार दांत जो मुंह में बाकी है लौट मरूंगा बाहर निकाल दूंगा। बड़े बहादुर हो ठाकुर, घोड़े पर सवार हाथ में बंदूक लिए एक बुजुर्ग औरत को गालियां दे रहे हो। ठाकुर हो या किसी गांव के कुत्ते, मां समान औरत को बुढ़िया कहते हो, शर्म नहीं आती? उसट को बुढ़िया नहीं तो 16 साल की छोरी कहूं। पर गोली नहीं चलाते, समझे? इधर आओ। बेटा,
आओ बहना, आओ। कितना मारा है उन कसाईयों ने। अरे पगले, तूने क्यों सबका सामना किया? क्या हुआ जो मुझे बुढ़िया कह दिया? क्या मैं बुढ़ी नहीं हूँ? फौजी, खून है ना, माँ के खिलाफ सुना नहीं क्या? जिंदे रहो, आपके जो डाकू आए तो उन्हें गोली से उड़ा देना, एक एक को, जैसा कि उन्होंने तुम्हारे बाप को मारा था, तुम्हें मारा था। अरे नहीं नहीं, तुम तो जिंदा हो। देखा फौजी, मैं सब भूल जाती हूँ, इसीलिए तो लोग मुझे पागल कहते हैं। अरे कौन कहता है तू पगली है? तेरा बेटा आ नहीं गया? घबरा मत, मैं इसे बंदूक चलाना सिखाऊंगा, और जब सीख लेगा फिर देखना कि ये तेरा बेटा क्या करता है। सब गलत, सब गलत। तुमको बंदूक पकड़ना भी नहीं आता है, तुम बंदूक चलाता है कि तीर कमान चलाता है? इधर पकड़ो, पकड़ो इधर, अब लगा निशाना, सामने चला गोली। कटा हुआ झाड़ का माफिक गिर जाता है। निशाना बांधो, बांधो निशाना। देखता किधर है निशाना? इधर है, देखता इधर है। धक्का लगा, आंखें टेढ़ी हो गई। आंख को कंट्रोल कराओ। आंख कंट्रोल में करता हूँ तो दिल धड़कने लगता है। दिल को काबू में लाओ। काबू में नहीं रहता। क्या मुश्किल है? मुश्किल क्या मुश्किल है? बंदूक चलाना। करो, चेक कराओ, मारो। कम बैक, पीछे आओ, पीछे आओ। पलसकाओ, पलसकाओ, जल्दी बनाओ। हम तुमको बताता है गोली चलाना कैसा होता है। नाम को दो, आगे चलाओ, आगे आओ। ऐसा मारो, ऐसा मारो, देखो ऐसा मारो गोली। अभी मालूम हुआ तुम्हारा गोली क्यों ठीक नहीं लगता था। अभी गोली मारो, ध्यान उस तरफ रखो, मारो गोली। जालिम सिंह, तेरी खबर पक्की थी ना? बिल्कुल पक्की है ठाकुर। एक तरफ निशानेबाजी और दूसरी तरफ गांव वालों को भड़काना, दोनों बातें बिल्कुल पक्की। बकरी के सीने में शेर का दिल। कल मार मार कर जिसकी मैंने चमड़ी उथेड़ी, आज वो मेरा मुकाबला करने निकला। यही तो सोचने की बात है ठाकुर। आज तक तुम जिस रास्ते से निकले वहां आदमी तो क्या, पत्तों ने भी खड़खड़ाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब क्या? मुझे फिक्र है, इस आदमी में जरूर कोई भेद है ठाकुर, कहीं ये जाल पुलिस ने ना बिछाया हो। हम गांव में उसे मारने के लिए जाएं और पुलिस की गोलियां हमारा स्वागत करें। हो सकता है वो कुत्ता भी पुलिस का आदमी हो सकता है। तो फिर चले ठाकुर। दुश्मन पर वार करने से पहले जरूरी है दुश्मन को जानना, और ये काम मुन्नी बाई से अच्छा और कोई नहीं कर सकता।